टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का आज आपकी तरफ से रखी गई है, उद्देश्य क्या है? देखिए, आपको मालूम है कि निकट भविष्य में माननीय उच्चतम न्यायालय का अयोध्या के संबंध में फैसला आना है। उसमें सरकार की स्पष्ट मंशा है कि अमन चैन बनी रहे, शांति एवं सौहार्दपूर्ण माहौल बनी रहे। उसी दिशा निर्देश के तहत आपने देखा कि जिला प्रशासन सतत प्रयास कर रहा है। दो दिन पहले हमने मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ वार्ता की, कल हमने हिंदू समुदाय के लोगों के साथ वार्ता की, एवं जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे नगर निकाय के चेयरमैन हो या ब्लॉक प्रमुख हो, आज सभी मीडिया के बंधुओं से बातचीत हुई। इस मीटिंग के बाद अभी जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, चाहे बड़े बड़े कॉलेज या स्कूल्स के टीचर्स हों, प्रिंसिपल हों, या अन्य सफाई कर्मचारी संघ के लोग हों, या आशा आंगनवाड़ी के रिप्रेजेंटेटिव हों, या अन्य जहां भी हमें लगता है कि किसी व्यक्ति एक मास से जुड़ा हुआ है, जिला प्रशासन की कोशिश है कि उन सभी व्यक्तियों से बातचीत किया जाए, उन्हें बताया जाए कि जो भी कानून तोड़ेगा, जो भी इस जनपद में शांति एवं सौहार्दपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेगा गलत सूचनाओं के आधार पर, उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारी मंशा है कि चंद लोगों द्वारा किए गए खुराफात के कारण जो जनमानस है, जो निर्दोष लोग हैं, उन्हें जनहानि या धनहानि न सहना पड़े। धन्यवाद। सर, क्या आपकी तरफ से टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया? फोर्सेस कंट्रोल रूम टोल फ्री नंबर और सोशल मीडिया पर किस तरीके के निर्देश दिए गए? देखिए, अक्सर ये देखा गया है कि सोशल मीडिया पर, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या अन्य सोशल मीडिया हो, उसके माध्यम से कभी कभी भ्रामक सूचनाएं अग्रसारित की जाती है, जिससे सांप्रदायिक घटनाओं को बल मिलता है। इसके संदर्भ में हमने पूर्व में भी बताया है कि जो भी ऐसा करेगा, उसमें आईपीसी के कुछ सेक्शंस हैं, 153A है, 295A है, 298 है, 505 है, या आईटी एक्ट की धारा 66 है, या अन्य धाराएं हैं, उसके तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें सूचना एक महत्वपूर्ण कड़ी है कि समय पर सूचनाएं मिल जाए तो कार्रवाई, जो ज़रूरी कार्रवाई है, वो समय से किया जाए तो फिर ऐसी घटनाओं की संभावनाएं कम की जा सकती हैं। उसके लिए हमने एक ज़िले में, जनपद के NIC में, एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है जो कल से क्रियाशील है। उसमें 24/7 अधिकारियों एवं कर्मचारियों, दो अधिकारी एवं तीन कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है, जो 24/7 वहाँ मुस्तैद रहेंगे। एक टोल फ्री नंबर 282828 0573 2 और 282828 ये नंबर एक्टिवेटेड है, कल ही एक्टिवेट किया गया है। इसके अलावा जितने भी अधीनस्थ राजस्व और पुलिस के अधिकारी हैं, उन्हें सख्त रूप से निर्देशित किया गया है कि अपना मोबाइल फ़ोन हमेशा ऑन रखें, अटेंड करें, ताकि लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो तुरंत रिसीव करके आवश्यक कार्रवाई की जा सके। धन्यवाद। वार्ता के दौरान आपके द्वारा एक बात बताई गई थी, एक सूची भी तैयार की गई है सर, ऐसे लोगों की जिनके पहले इस तरह के मामले रहे हों, किस तरह की सूची है और जिला प्रशासन जो अराजक शक्ति हैं उन पर किस तरह से नज़र बनाए हुए हैं? जितने लोगों द्वारा पूर्व में अराजकता फैलाने की सूचनाएं आई हैं, उसकी एक सूची बनाई गई है और हम नियमानुसार उसमें निरोधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। आप देखेंगे कि 107-16 की कार्रवाई होगी, लगभग 2 से 2.5 लाख का बॉन्ड भरवाया जाएगा एवं उस पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। इसके लिए हमने थाने स्तर पर पूर्व में ही मीटिंग की है, थाने स्तर पर भी भ्रमण किया जा रहा है, तहसील स्तर से जो CO और SDM के द्वारा ज्वाइंट भ्रमण किया जा रहा है। हम तहसीलवार, थानेवार ऐसी सूचियों को थाने और तहसील पे देंगे ताकि वो उन पे नज़र रखें और ज़रूरत पड़ने पे उनके खिलाफ, अगर वो गड़बड़ करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। आबादी क्षेत्र में ड्रोन से भी मदद ली जाएगी क्या? ऐसा भी निर्देशित किया गया है कि हर एक तहसील में SDM को निर्देशित किया गया है कि कुछ ड्रोन का यूज करें, ताकि घर के छत का सर्वे करके ये देखा जा सके कि कहीं कोई ईंट पत्थर तो पहले से नहीं है। स्पेशली हमारे जिला प्रशासन द्वारा उन्हें निर्देशित किया गया है कि ऐसे एरिया जहाँ की एक तरफ एक समुदाय के लोग और दूसरे तरफ दूसरे समुदाय के लोग हों, वहाँ स्पेशली ड्रोन से सर्वे कर लिया जाए कि अगर ऐसी कुछ चीज़ें दिखती हैं कि छत पे
लाठी या ईंट पत्थर ऐसी चीज़ें अगर दिखती हैं तो उसके लिए हम पूर्व में ही मुस्तैद रहेंगे, कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।